घायल थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर जहां पर बिना परिवर्तित नाम विजय उम्र करीब 19 वर्ष पुत्री कृष्णलाल की जिसकी शादी नवंबर माह 2019 को बलवीर पुत्र रामलाल के साथ हुई थी। बीना की शादी के मात्र 7 माह ही बीते थे कि उसके ससुराल जनों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। मृतक के परिजनों ने मीडिया को बताया है कि बीना को उनके ससुराल जनों द्वारा जबरन अवैध देह धंधा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसी बात को लेकर उसे बेरहमी से मार पीट कर प्रताड़ित करते आ रहे थे। बीना की दिनांक 29 जुलाई 2020 को ससुराल जनों ने मिलकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में मृतक की बहन रजनी ने थाना सहायल में लिखित शिकायत देते हुए पारा नाम दर्ज व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा लिखाए जाने हेतु तहरीर दी थी, परंतु थाना पुलिस ने दी गई तहरीर पर थाने में दर्ज FIR जिसमें मात्र 5 लोगों के नाम दर्शाए हैं, जबकि घटना के मुख्य आरोपी मृतका की सास रेशमा, पत्नी रामलाल, ससुर रामलाल, पुत्र शिवराम, देवर उदयवीर, पुत्र रामलाल, बबलू पुत्र, नाम पता अज्ञात शीतला देवी, पुत्री गोरीलाल, ननंद सुल्तान की पत्नी व भोला की पत्नी नाम अज्ञात के नाम FIR में नहीं लिखे हैं। मृतक बीना के ससुराल जनों से क्षेत्रीय पुलिस साठगांठ कर मृतक के पति बलवीर का झूठा मेडिकल कराकर उन्हें पागल घोषित कर बरेली पागल अस्पताल भिजवा कर घटना में लिप्त आरोपियों को थाना पुलिस बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोपी सहित थाना पुलिस मृतक की बहन रजनी एवं परिजनों पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। आरोपी गन जान से मारने की धमकी देते आ रहे हैं तथा थाना पुलिस मृतक बीना की बहन आदि परिजनों के विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखाकर जेल भेजने की धमकी देते आ रहे हैं। पुलिस और आरोपियों की धमकियों से भयभीत मृतक बीना के परिजनों ने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत पत्र देते हुए कहा है कि थाना सहायल पुलिस से हम लोगों को विश्वास उठ चुका है, या लोग बहन की हत्या के आरोपियों से मिलकर हमारे व परिजनों के साथ कोई भी बड़ी घटना घटित करने की साजिश कर सकते हैं। मृतक के परिजनों ने उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर मुकदमे की जांच किसी अन्य जिले के सक्षम पुलिस अधिकारी के माध्यम निष्पक्ष जांच करा उपरोक्त आरोपी गण को गिरफ्तार करने के साथ ही आरोपियों का साथ दे रहे स्थानीय पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए और ऐसे संवाददाता SK यादव की स्पेशल रिपोर्ट। ग्राम बरजा का रहने वाला हूँ, थाना फकुन पड़ता है, जिला औरैया। मेरी बेटी बीना उर्फ विजय सिंह की हत्या का मामला है और परिवार वालों ने मेरी बेटी को मार करके मार डाला और हमने ये भी कार्रवाई थाने में की, तो हमारी मतलब जो हमने रिपोर्ट लेके दी थी उसे दरोगा जी ने मतलब हाल फूल के फेंक दी और उन्हें अपने मुखार बिंद से मेरे बड़े लड़के से लिखवाया और वो रिपोर्ट मेरी ले ली और कहा इस पर दर्शक कर दो, नहीं तो हम आपको मतलब उल्टा केस आपके ऊपर कर देंगे। तो मेरी बच्चे छोटे छोटे थे, इन्होंने मतलब डर के मारे उन्होंने दस्तखत कर दिए और वही फाइल उन्होंने DD पर चढ़ा दी। अब मैं आप DD के पास इसलिए आया हूँ, हर जगह भर भटकता हुआ, कि इससे मुझे कुछ राहत मिले और आप हमारी उस कार्रवाई करने में आप लोग मदद करें। जिससे पुलिस का अब क्या रोल है, पुलिस का क्या रवैया है इस समय? पुलिस का ये रवैया है और जो आरोपी लोग हैं वे हमें मतलब धमकी दे रहे हैं और पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि मतलब समझौता कर लो और नहीं तो फिर इसका उल्टा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लाद दिया जाएगा। क्या चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? क्या चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? ये चाहते हैं कि ये पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जाए और आरोपियों के प्रति भी कार्रवाई की जाए और जो हमने नाम लिख के आपको दिए हैं उन नामों को उस फाइल में एडजस्ट किया जाए।